अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस केज। व्यूअर्स, आज की वीडियो सुबह सिंध की डोमिसाइल रखने वाले तमाम हजरात के लिए जिनकी एज 18 से 35 साल तक हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर की 22 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की 594, ICU टेक्नीशियन, सीनियर एडिटर, सीनियर क्लर्क, जूनियर एडिटर की बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट जगहों पे है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोजीशंस अनाउंस हुई हैं जिसमें सीनियर क्लर्क की 45 पोस्ट हैं जिसके लिए इन्होंने ग्रेजुएशन रिक्वायर की है। 21 से 28 साल की एज है जबकि 5 साल के रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 साल वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि एक CV बनानी है आपने जिसमें अपना नाम, अपने वाले साहब का नाम, तमाम एकेडमिक डिटेल और इसके साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और ये तमाम डिटेल आपने KDA यानी कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को भिजवा देनी है। इसके अलावा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो कि सब इंस्पेक्टर की हैं, BPS 14 में हैं, 13 सिंध रूरल की है जबकि 9 सिंध अर्बन की है। इसके लिए एक ग्रेजुएट और सेकंड डिवीज़न के साथ इन्होंने मांगी है। 21 से 28 साल तक की उम्र है जिनके 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि डायरेक्टर पर्सनल ऑफिस रूम नंबर 115 फर्स्ट फ्लोर KW&SCB हेड ऑफिस बिहाइंड सिविक सेंटर गुलशन इकबाल कराची में अप्लाई करना है। सेम CV बनानी है जो पिछली पोस्ट में बताई थी, इसी तरह की सेम CV आपने बनानी है जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के लिए आपने अप्लाई करना है। इसकी लेकिन टेस्टिंग के लिए आपको IBA सखर टेस्टिंग सर्विस की जानिब से आपको टेस्ट क्लियर करना होगा जो कि कंडक्ट कराएंगे। इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है BPS 14 की, 594 पोस्ट हैं जिसके लिए इन्होंने BCom, BBA, BA डिमांड की हुई है। 18 से 30 साल की एज यानी कि 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आप अपनी दरख्वास्त हैं वो आपने जिस तरह CV मैंने बताई है वो CV बना के आपने जो है ना सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध सेक्रेटरीट नंबर 5 कराची पर भिजवा देनी है, जिसके बाद आपको शार्ट लिस्ट करके आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि IBA के थ्रू होगा डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में। इसके अलावा जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो मैं आपको बताता जाऊं कि वो जो है इन्होंने डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें सीनियर एडिटर BPS 14 की हैं, 6 वैकेंसीज हैं जो कि 5 हेडक्वार्टर और 1 हैदराबाद की है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी है, सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसको तरजीह दी जाएगी। इसके लिए जो वैकेंसीज का तरीका है कार है, तमाम पोस्ट जो मैं इसमें बता रहा हूँ उनकी लास्ट डेट भी मैं आपको इसके साथ शेयर करता जाऊँगा और सैलरी भी मैं आपको इसके एंड पे बताऊँगा कि इनकी सैलरी क्या है। तो इसकी एज भी 18 से 33 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर क्लर्क और कोर्ट क्लर्क इसकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो कि 5 हेडक्वार्टर की हैं, 3 हैदराबाद, 1 सखर, 1 मीरपुर, 1 शहीद बेनज़ीराबाद। इसी तरह कोर्ट क्लर्क की 2 वैकेंसीज हेडक्वार्टर की हैं। इन दोनों के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है जो कि आर्ट्स में हो या इसके बराबर की डिसिप्लिन की हो, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, 18 से 33 और 22 से 35 साल तक की एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंध वालों के लिए, सिंध की डोमिसाइल होल्डर जितने भी हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जूनियर एडिटर की है BPS 7 में, हेडक्वार्टर की 3 है, इनके कराची के लिए 3 है, मीरपुर खास की 1 है, लाड़काना की 1 है। इसमें भी बैचलर डिग्री लेकिन कमर्स के साथ होनी चाहिए और 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। 18 से 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि आपने इसको CV बनानी है और CV को आपने डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग सिविक सेंटर कराची पे भिजवा देना है। तो एप्लीकेशन के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, ID कार्ड की कॉपी उनको अटेस्टेड कराना है, तो ये आपने अटैच कर देना है साथ में। इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में की एक और भी वैकेंसी है सीनियर एडिटर सीनियर क्लर्क की, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि BPS 14 और दोनों BPS 14 में है, 5 हेडक्वार्टर की हैं, 1 हैदराबाद की है। तो इसके लिए अप्लाई करने का भी सेम तरीका है जैसे आपको मैंने बताया है, CV बनानी है, नाम आपका, ID कार्ड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम डिटेल CV पे होनी चाहिए। साथ में आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है, उसको अटैच करा के 6 अदर फोटोग्राफ साथ में अटैच करने हैं तो आपने भिजवा देने हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ में आई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल के लिए जैसे लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, इसी तरह
कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरों में, इसी तरह RBUIT से शिकारपुर में भी हैं, अकाउंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन BPS 14 की, ICU टेक्नीशियन की 114 सीटें हैं जिसके लिए, बल्कि इन तमाम पोस्ट के लिए इन्होंने ग्रेजुएट मांगी है सेकंड डिवीजन के साथ और 2 साल का रेलिवेंट डिप्लोमा। यानी कि ICU टेक्नीशियन के लिए आपके पास ICU का डिप्लोमा, स्टोर के लिए स्टोर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो आते हैं तो इनका एड्रेस, इनके एड्रेस के लिए आपने सेक्रेटरी 2 गवर्नमेंट ऑफ सिंध न्यू सिंध बिल्डिंग सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 1 6 फ्लोर कराची पे अप्लाई भिजवा देने अपने डॉक्यूमेंट्स। तो लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है इसकी वो 17 है और दूसरे की 20 है, यानी कि आप 17 तक वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें 17 जुलाई तक। इसके बाद टेस्ट डेट अनाउंस की जाएगी। तो ये तो हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट या बाकी सूबों के बारे में भी डिटेल ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।